हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिया। तो बनारस में आज हम जा रहे हैं डे 3 की स्टार्टिंग करने। आई होप आपने मेरा डे 1 और डे 2 का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहां से डायरेक्टली आप जाके वो देख सकते हैं वीडियोस। तो जो डे 3 है हमारा, उसकी स्टार्टिंग आज हम करेंगे सारनाथ से। तो हम यहाँ पर हैं गुदौलिया चौक में, और गुदौलिया चौक से हम सीधा जा रहे हैं सारनाथ। तो सारनाथ जाने के लिए आपको चौक से ही ई रिक्शा मिल जाएगा, और बाकी वैसा ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिक्शा, ई रिक्शा या ऑटो कुछ भी बहुत इजीली अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए डे 3 की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, सारनाथ जाने से पहले क्यों ना हम और एक बार घाट पर हो आएं। वैसे तो मैं कल भी गई थी और परसों भी गई थी, लेकिन अब क्योंकि आज यहाँ पर लास्ट डे है और कल हमें यहाँ से निकलना है, तो और एक बार अभी हो आते हैं, मॉर्निंग व्यूज ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घाट पर सुबह सुबह आएंगे 6 बजे, तो आपको यहाँ पर सुबह बनारस का प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जो कि 6 से 7 चलता है 1 आवर, और इसमें आपको बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम सब देखने को मिलेगा। और घाट पे ये देखिए, मेरी मुलाकात हुई है बाबा से, जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, ये हैं जर्मनी के। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि ये हैं जर्मन। आज से करीब 15 साल पहले ये बनारस आए थे, और यहाँ की भक्ति में ये इतने लीन हो गए और बनारस इनको इतना भाया कि उसके बाद ये अपनी कंट्री वापस नहीं गए, और तब से लेकर आज तक ये यहीं पर, यानी कि बनारस में गंगा घाट पर निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद अब मैं आपको ले चलती हूँ सारनाथ। तो ये मेरी स्क्रीन पर आपको जो 4 पॉइंट्स विजिबल हो रहे हैं, ये हैं सारनाथ के 4 मेन पॉइंट्स। यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं सारनाथ आकर। तो सारनाथ घूमने के बाद हम चलते हैं वापस बनारस। तो वापस मैं आ गई हूँ गुदौलिया चौक, और लंच के बाद हम चलेंगे यहाँ की मार्केट। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। ये है केसरी आरबी रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम गए दोपहर में लंच के लिए, और ये है यहाँ की वेज थाली, जो कि बहुत टेस्टी है। और इसके बाद अब जाना है सीधे मार्केट। तो दोस्तों, अगर आप बनारस आए हैं तो यहाँ से आप बनारसी साड़ी ज़रूर लेकर जाइए। ये ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी आपको हैंडलूम सिल्क बेस्ड एंड कॉटन बेस्ड में मिल जाएंगी। तो अभी मार्केट से शॉपिंग करके मैं वापस होटल आ चुकी हूँ, और अभी यहाँ से फिर से रेडी होके अब हम जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल, भगवान के दर्शन और एक बार करने। एक्चुअली हम लोग कल गए थे, आज जा रहे हैं फिर से इसलिए क्योंकि कल हमारा यहाँ से रिटर्न है। एक्चुअली हमारा 4 दिन का ही शेड्यूल था यहाँ बनारस का। तो अभी मैं जा रही हूँ विश्वनाथ टेम्पल, उसके बाद उधर से जाऊँगी भैरवनाथ टेम्पल। तो ये फ़ोन तो वहाँ पर अलाउड नहीं है, फ़ोन, पर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है वो कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए फ़ोन मैं यहीं पर होटल रूम में छोड़ के जा रही हूँ। अगर अलाउड होता तो मैं ले जाती फ़ोन, और वहाँ का भी थोड़ा आपको व्यू दिखाती, न्यू कॉरिडोर है वो भी दिखाती, लेकिन अब क्योंकि अलाउड है नहीं तो विदाउट फ़ोन मुझे अभी जाना है। सो गाइज, अभी मैं विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करके, और उसके बाद मैं गई थी काल भैरव मंदिर, वहाँ के दर्शन करके अभी मैं डायरेक्ट होटल आ चुकी हूँ। सो आज की डे की एंडिंग हमारी यहीं पर होती है। अभी जाएंगे बाहर कुछ भी डिनर करने, और उसके बाद देन अगेन वापस होटल को आना है। कल हमारी रिटर्न की ट्रेन है, जो कि है दोपहर 3 बजे, उसके लिए हमें 12 बजे यहाँ होटल से चेकआउट करना है, और उसके बाद सीधे जाएंगे बनारस रेलवे स्टेशन। सो गाइज, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने ये वीडियो इन्जॉय किया या नहीं किया, और आपने मेरे साथ ही 3 दिन की बनारस जो ट्रिप थी वो इन्जॉय की या नहीं की, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं या फिर आपको जो भी पूछना है टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड, कुछ भी फेयर्स एटसेट्रा, तो आप मुझे डायरेक्टली इस वीडियो पे कमेंट कर सकते। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर दूं, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो वहां से आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।